गाइस वेलकम बैक टू द मजेट पंडित्स तो दोस्तों बड़े भैया ने कर लिया है 900 गोल कंप्लीट एंड अब अगला जो टारगेट वो सेट करने जा रहे हैं वो है हजार गोल का थाउजेंड गोल्स इन फुटबॉल ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा माइल होगा एंड मैं सच में सोचता हूं भाई कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस धरती पे जो सोचते हैं कि यार बड़े भैया गोट नहीं है लिटरली ही इज द ओनली एक्टिव फुटबॉलर या फिर फुटबॉलर इन जनरल विद नाइन हंड्रेड गोल्ड कैन यू इमेजिन दैट एंड पता है तुम लोग को मैंने ना एक बहुत ही यूनिक सा रिकॉर्ड देखा एक नेशनल फुटबॉल टीम है सैन मैरिनो के नाम से ठीक है उन्होंने जब अपना पहला मैच जीता था तब रोनाल्डो के सिर्फ नौ गोल थे और अब जब उन्होंने अपना दूसरा मैच जीता है पूरे इतने लंबे टाइम में बीस साल में रोनाल्डो के 900 गोल हो चुके हैं भाई तो मतलब लिटरली दिस इज अ शॉकर दिस इज अ अंसिडेंस क्वाइट अ यूनिक अइंसिडेंस पर इट इज एक्सेप्शनल इट इज लिटरली एक्सेप्शनल ये जो एक फीट है ये सिर्फ पोर्चुगीज फैंस के लिए या फिर रियाल मड्रिड फैंस के लिए सेलिब्रेटेड नहीं होनी चाहिए ये फुटबॉल फैंस के लिए इन जनरल सेलिब्रेट होनी चाहिए बिकॉज किसी भी प्लेयर ने आज तक कभी भी नौ गोल नहीं करे थे और रोनाल्डो ने कह दिया था भाई दैट आई विल रीच दैट नाइन गोल मार्क काफी सारे लोगों ने उसके सेवन गोल्स के माइलस्टोन में जब वो यूवेंटिस में था दो की बात है उन्नीस की, तब उन्होंने वो अचीव वो फीट अचीव करी थी और टू के लेट एंड में जब वो यूनाइटेड के साथ थे तब उन्होंने 800 गोल्स का माइलस्टोन अचीव करा था तब लोगों ने कहा था कि भाई नौ हजार नहीं हो पाएंगे बड़े भैया स्लो डाउन हो रहे हैं लेकिन बड़े भैया ने जवाब दे दिया भाई नौ गोल कर लिए हैं एंड अपने यूट्यूब चैनल पर बंदे ने बोल दिया कि यार अब तो हजार गोल करूंगा वो मेरा माइल है वो मेरा रिकॉर्ड है वो मैं अचीव करना चाहता हूँ

के बारे में अच्छे से सोचे एंड डेफिनेटली भाई डिबाला ऐसे ही परफॉर्मेंसेस हमको देते रहे अब बात करते हैं खराब चीजों के बारे में खराब चीजों से मेरा मतलब है रियल मैड्रिड और इंजरीज भाई खराब चीज मैं रियल मैड्रिड को नहीं कह रहा जो इंजरीज चल रखी है उसको खराब बोल रहा हूँ ठीक है तो मतलब मेरे को इंसल्ट मत करना मेरे पीछे मत पड़ना ियाल मड्रिड में काफी सारे प्लेयर्स को इंजरीज हो गई है यह कहा जा रहा है कि आठ प्लेयर्स को इंजरी हो चुकी है एंड इट इज अ वरियंग साइन भाई इट इज अ साइन बिकॉज जब अब जब मिड जो इंटरनेशनल ब्रेक है खत्म होगा जब हम मिड सेप्टेंबर में आएंगे जब हमको थोड़े से इंपॉर्टेंट फिक्चर्स खेलने पड़ेंगे अगेंस्ट चैंपियंस लीग का भी फिक्चर आने वाला है तब आपके पास सिर्फ चौदह प्लेयर्स होंगे एट योर डिस्पोजल जो कि एक बहुत बड़ा वरियंग साइन है आपके पास ऑरिलिया चुआमिनी नहीं है एडर मेरेडा को अभी जस्ट इंजरी हो गई है फोलन मेंडी को एक पहले वाली इंजरी का रिलैप्स चुका है एडवाडो कामाविंगा जूड बेलिंगम पहले से ही गायब थे हेसुस वाले vale हो भी गायब है डैनी सबायोस भी गायब है तो बहुत सारे प्लेयर्स है भाई रिया मोर के पास जो गायब है एंड एट दिस पॉइंट एक बहुत बड़ी बड़ी वरिंग साइन होती है बिकॉज जब सीजन शुरू हुआ था एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट मड्रिड्स इन सेन

चीजें वर्सन अप करती है रियामर के लिए बिकॉज हेसुस वाले हो इंजर्ड है डेविड आलबा अब तक एसीएल से लौट कर नहीं आए हैं आपके पास एडर होते हैं जो कि इंजर्ड है तो आपके पास इस समय सिर्फ रूडेगर है जो कि फिट है ठीक है सिर्फ रूडेगर है आपके पास डिस्पोजल जो कि अभी फिट है उसके अलावा आपके पास कोई भी नेचुरल सेंटर बैक नहीं है चुआमिनी की जो इंजरी है उसकी डेप्थ हमको नहीं मालूम यह कहा जा रहा है अब जब तक हम सोसिडाइड को फेस करेंगे वो एक या दो हफ्ते निकल जाएंगे एंड चुआमिन चुआमिनी विल बी फिट बट एट द सेम टाइम आपको रूडेगर और चुआमिनी साथ में को देखने को मिल सकते हैं एट दैट सेंटर बैक पोजिशन अगेंस्ट इज अगेन अ वरी बिकॉज मड्रिड ने यह सीजन अच्छे से शुरू नहीं करा है स्पेशली डिफेंसिवली स्पीकिंग आपने दो तीन गोल्स कंसीड भी किए हैं तो आपको वो डिफेंस स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा आपको वो अंडरस्टैंडिंग वो कोइजन बिल्ड करनी पड़ेगी जो कि इस समय बहुत बड़ी वरी लग रही है फोकाल एन चौटी अच्छा एक और चीज़ थी जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था रोद्रिगो की फ्रस्ट्रेशन के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था रोद्रिगो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड प्लेयर हो जाएगा अगर वो ऑलरेडी है नहीं तो क्योंकि उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है उसके सीजन को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है हां वो बंदा कभी कभार इनकंसिस्टेंट लगता है बट भाई उसके थर्टी गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे और उसको नहीं लिया गया इन द बैलोंडोर नॉमिनेशन और ये बात सिर्फ बैलोंडो नॉमिनेशन की नहीं है मुसियाला और साला को भी नहीं लिया है पर उनके पीछे भी वजह है क्योंकि मुसियाला और साला दोनों ने ही ट्रॉफीज के साथ रैकअप नहीं किया गुरासी को भी नहीं लिया बिकॉज दिस प्लेस डिड नॉट विन ट्रॉफीज ट्रोफीज एक बहुत बड़ा पार्ट होता है भाई एंड यहां पर रोद्रिको ने तो सब कुछ किया है उसने चैंपियंस लीग जीता है उसने ललिका जीता है एट सम पॉइंट हम बात कर रहे थे कि भाई शायद चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर बन सकता है है ठीक तो हम ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे मैन सिटी को इसलिए एलिमिनेट था जिस तरीके से रोड्रिको खेल रहा था मैन सिटी में मिलना चाहिए फॉर डिफीटिंग मैन सिटी लीग क्वार्टर फाइनल तो यहां पर रोड्रिगो को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जो वो डिजर्व करता है एंड ऑल आपको याद है मिड ऑगस्ट की बात है जब उसने अपने व्हाट्सएप चैनल का कहा था कि दैट यू शुड एट दी आर ऑफ रोड्रिगो बेसिकली स्पेनिश मीडिया एजेंसी एक है उसने बी एम वी बेलिंगम एम बापे विनिश इसका एक नया अटैकिंग ट्रियो फॉर्मुलेट कर दिया एंड रोड्रिगो uh, का काफी इरिटेशन हुई बिकॉज लोग उसको बहुत ज़्यादा ही अंडरेट करते हैं यहाँ पर ब्राजीलियन लेजेंड्स लाइक रिवाल्डो और नेमार उसको बैक कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा ज्यादा कोई लोग उसको बैक नहीं कर रहे हैं तो उसके व्हाट्सएप चैनल पर उसने फ्रस्ट्रेशन में आके ये लिख दिया दैट यू शुड एट दी आर ऑफ रोड्रिगो आफ्टर दिस कोर्ट द गोल अगेंस्ट माई का इन द गेम वीक वन तो यहाँ पर उसकी फ्रस्ट्रेशन काफी जायज भी है भाई बिकॉज बंदे ने लिटरली सब कुछ करके दिखा दिया है बंदा लिटरली आपके लिए राइट विंग खेल रहा है एट टाइम्स बंदे ने आपके लिए कैम खेला हुआ है एट टाइम्स

क्या यहाँ पर हम ऐसा कुछ सिमिलर होते हुए देख सकते हैं क्या हम ऐसा कुछ सिमिलर होते हुए देख सकते हैं भाई जहाँ पर रोद्रिगो मैन सिटी चले जाए बिकॉज मैन सिटी ऑफर देने में तो इंटरेस्टेड थी इन द 2024 समर ट्रांसफर विंडो वो दिया नहीं बिकॉज रोद्रीगो ने उतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं पर इतनी जो हाथ से चल रखे है क्या उसके बाद रोद्रिको टेम्पटेड होगा टू लीव मैन सिटी बिकॉज मैन सिटी वो सारी चीजें उसको प्रॉमिस कर रही है रोद्रिको को लेफ्ट विंग मिल जाएगी रोद्रिको को एक बेटर सैलरी मिल जाएगी एक बेटर अटेंशन और अप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी और जगह मिल जाएगी भाई तो क्यों ना वो मैन सिटी जाए मतलब ऑनेस्टली अगर मैं रोड्रिगो हूं और मुझे कुछ अटेम्प्ट कर रहा है टू स्टे दैट इज द फैक्ट रिया रियामर एंड द क्लब जो क्लब की ग्लोरी है वॉट द क्लब स्टैंड फॉर सिर्फ वो ही मुझे कर रहा है कन्विंस टू स्टे बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियसली प्लेयर्स उसको सपोर्ट करेंगे इन साइड द ड्रेसिंग रूम पर यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होना भाई बिल्कुल जायज है भाई आप इतना कुछ कर रहे हो और आपको कुछ अप्रिसिएशन अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है तो दिस इज एब्सिल्यूटली हुएस भाई वॉट इज हेपन एज स्पेशली बेरोडोर की नॉमिनेशन के अगेंस्ट भी मैं कुछ चीजें बोलूंगा आपने हमिल्स को सिलेक्ट किया ठीक है डिजर्व बनता है बट एट द सेम टाइम हमल ने भी कुछ उखाड़ा नहीं था ठीक है मतलब ऑब्वियसली चैम्पिनियन लीग फाइनल तक पहुंचा बंदा एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया चैंपियन लीग में बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रॉफीजी के बेसिस पे कुछ नहीं उखाड़ा भाई हमल